जी अंकल जी बोलो। बेटा ये आपका नीचे गिर गया था। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने मेरा बैग रिटर्न किया। वो जूस का कॉर्नर आपके? हाँ बेटा ये मेरा ही है। मुझे नहीं पिलाओगे? हाँ हाँ बेटे आओ पिलाता हूँ। ठीक है। तो अंकल जी आप ये काम कितने सालों से कर रहे हो? बेटा मैं 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन ये काम ना सीजनल होता है इसलिए हर साल करना पड़ता है। 10 सालों से? जी। अच्छा है ना बेटा जूस? जूस तो बहुत अच्छा बनाया आपने। ये रख लीजिए अंकल जी। बेटा पर मेरे पास तो खुल्ले नहीं है। अंकल जी मुझे खुल्ले चाहिए भी नहीं, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। आज के टाइम में इतने पैसे कोई भी रिटर्न नहीं करता। बेटा मेरे लिए तो मेहनत का ही काम ठीक है, और ईमानदार कह रहे हो और ईमानदार की ईमानदारी भी खरीद रहे हो, इसलिए बेटा मुझे बस 20 ही रुपए चाहिए। ठीक है। पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटा पर मेरे पे तो ये 200 ही रुपए हैं। क्या सिर्फ 200 रुपए? पापा आपका दिमाग खराब है क्या? मुझे रात को पार्टी में जाना है, मैं ये 200 रुपए लेके जाऊंगी? मेरे दोस्त मुझसे क्या बोलेंगे कि तेरे बाप ने तेरे को सिर्फ 200 रुपए दिए हैं? बेटा क्या है ना, काम धंधा है नहीं, सुबह से 20 ही गिलास पी गए तो बस यही पैसे हुए। तो मैं क्या करूँ, जल्दी आया करो, आपका काम धाम में तो दिमाग नहीं है, बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते हो। मुझे नहीं पता पापा, मुझे बस पैसे चाहिए, कहीं से मिला के दो। बेटा पर मेरे पास पैसे और नहीं है, मैं और पैसे नहीं दे सकता तुझे। हाँ जो आपने किराए के लिए पैसे रखे थे ना, आप उसमें से मुझे पैसे दे दो। बेटा देखो वो पैसे मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि वो किराए के दे रहे हैं मकान मालिक को, अगर किराया नहीं दिया तो मकान मालिक तो हमें बाहर निकाल देगा, हम कहाँ पे रहेंगे बेटा? तो मैं क्या करूँ इसमें, मुझे पार्टी में जाना है, मतलब जाना है, आप कहीं से भी मैनेज करो बट मुझे पैसे चाहिए। बेटा मेरे पास पैसे नहीं है और मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। अब ठीक है, अगर आप मुझे वो पैसे नहीं दोगे ना तो मैं खुद ले लूंगी। बेटा देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये पकड़ो आप।